हेलो आफ्रीफान मैनेजमेंट मंद्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यू कि एथिक्स और वैल्यूज के बीच में क्या डिफरेंस होता है इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं पहले हम देखते हैं मीनिंग के बेसिस पे एथिक्स एथिक्स कैन बी डिफाइंड स्टडी ऑफ मोरल बिहेवियर एंड डिफाइनिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन दी बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल जो एथिक्स होते हैं इसके अंदर आप स्टडी करते हैं मोरल बिहेवियर के बारे में कि क्या सही बिहेवियर होना चाहिए क्या एथिकली बिहेव होना चाहिए बिहेवियर में आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें राइट right है क्या रॉन्ग है मतलब आपको सही चीज़ें करनी है नैतिक चीज़ें करनी है इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं जिनको क्या फॉलो करते हैं वही वैल्यू वैल्यूज आर डीपली हेल्ड बिलीफ एंड प्रिंसिपल दैट इंडिविजुअल और ग्रुप कंसिडर इम्पोर्टेंट एंड डिजायरेबल जो वैल्यूज होते हैं ये आपके बिलीफ या प्रिंसिपल्स होते हैं ये किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट और डिजायरेबल होते हैं तो ये आपके कुछ बिलीफ मतलब कुछ चीजों में आपका विश्वास होता है कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको कि आप अपनी इच्छा से फॉलो करते हैं सेकेंड हम देखते हैं स्कोप के बेसिस पे एथिक्स एथिक्स आर ऑफन कंसर्न विद डिटिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट विद इन अ पर्टिकुलर डोमेन सच सर्चस प्रोफेशनल एथिक्स और मेडिकल एथिक्स जो एथिक्स है इसका कंसर्न होता है कि आप डिफरेंस को बताते हैं क्या राइट है और है, क्या रॉन्ग है मतलब क्या चीजें सही हैं क्या गलत है उनके अंतर को पहचाना और इसको आप यूज करते हैं प्रोफेशनल और मेडिकल एथिक्स के अंदर मतलब प्रोफेशनली कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज होता है वही वैल्यूज वैल्यूज इन कम्पास ब्रॉडर रेंज ऑफ प्रिंसिपल दैट गाइड एटीट्यूड बिहेवियर्स एंड डिसीजन मेकिंग अक्रॉस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग पर्सनल प्रोफेशनल एंड सोसाइटल डोमेंस जो वैल्यूज है इसकी ब्रॉडर रेंज होती है इसके अंदर आपका एटीट्यूड कैसा बिहेवियर है डिसीजन मेकिंग बहुत सारे एस्पेक्ट को लेके जिसमें कि आपके पर्सनल प्रोफेशनल या सोसाइटल डोमेन के आते हैं नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी के बेसिस पे एथिक्स। एथिक्स आर यूनिफॉर्म एवरीवेयर कि जो एथिक्स होता है वो हर जगह एक सामान एक तरीके से अप्लाई होता है वहीं जो वैल्यूज होती है वैल्यूज आर नॉट कंसिस्टेंट एंड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जो वैल्यूज है ये कंसिस्टेंट नहीं होती है और ये पर्सन टू परसेंट डिफरेंट होती है नेक्स्ट आता है ओरिजन के बेसिस पे एथिक्स में ड्राइव फ्रॉम कल्चरल रिलीजियस फिलोसफिकल और लीगल सोर्सेज एंड आर ऑफन फॉर्मलाइज इन टू कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और लीगल रेगुलेशन जो एथिक्स होते हैं ये आपके कल्चर से रिलीजन से फिलोसफी से लीगल सोर्सेज से इनको बनाया जाता है ये कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं या प्रोफेशनल इन स्टैंडर्ड या लीगल रेगुलेशन होती है जिनको कि सारे लोग फॉलो करते हैं वही वैल्यूज वैल्यूज आर शेप बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो वैल्यू होती है वो कॉम्बिनेशन फैक्टर्स से बनती है जिसके अंदर आपकी कल्चरल अपब्रिंगिंग फैमिली का बैकग्राउंड एजुकेशन पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है और जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आपके मॉरल और एथिक्स आते हो मतलब कि आप किस तरीके से बड़े हो आपका फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशन कैसा एक्सपीरियंस है उनसे वैल्यूज डेवलप होती है आपको सिखाया गया लॉयल रहना है हार्डवर्क रहना है टीम वर्क में काम करना है, तो वो सब आपकी वैल्यू है नेक्स्ट आता है अप्लीकेशन के बेसिस पे एथिक्स एथिक्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर बिहेवियर एंड मेकिंग डिसीजन स्पेशली इन मोरल एम्बुगन सिचुएशन और जो एथिक्स होते हैं हैं ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि आप बिहेवियर को इवेल्युएट कर सकते हैं कैसे आप डिसीजन लेंगे किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से आप डील करेंगे कुछ सिचुएशन या डायलिमास है उसमें आप डिसीजन ले सकते हैं एथिक्स के थ्रू वही वैल्यू वैल्यू सब एस द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड एटीट्यूड शेपिंग इंडिविजुअल और कलेक्टिव प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंसेस जो वैल्यू है ये आपको गाइडिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है आपका एटीट्यूड इन्फ्लुएंस होता है और ये शेप देते हैं कि आप कैसे चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं प्रेफरेंस देते हैं नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल के बेसिस पे एथिक्स एग्जाम्पल ऑफ एथिकल प्रिंसिपल इंक्लूड ऑनेस्टी इंटीग्रिटी फेयरनेस रिस्पेक्ट फॉर अदर एंड रिस्पांसिबिलिटी एथिक्स के अंदर आपका है कि लोग ऑनेस्ट है फेयर है सबके साथ जस्टिस करते हैं सबके रिस्पेक्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हैं वही वैल्यूज के एग्जाम्पल है इंक्लूड पर्सनल इंटीग्रिटी सोशल जस्टिस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी फ्रीडम इक्वलिटी लॉयल्टी कम्पेशन और टॉलरेंस जो वैल्यूज है आप कैसे पर्सनल वैल्यू के अंदर आप लोगों को फ्रीडम दे रहे हैं सबको समान समझ रहे हैं लॉयल है, है टॉलरेंस अच्छा है आपका तो वो सारी चीजें आपकी वैल्यू को बताती है नेक्स्ट आता है आउटकम के बेसिस पे एथिक्स एथिक्स डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस एथिक्स से आपको पता चलता है इसके जो नतीजे होते हैं कि क्या चीजें सही है और क्या गलत है ये आपको वो बताता है वही वैल्यूज लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस इज थ्रू वैल्यूज क्या चीजें कितनी इम्पोर्टेंट है वो आप वैल्यू से पता करते हैं नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन के बेसिस पे एथिक्स एथिक्स डिटरमाइंड व्हाट इज मॉरली करेक्ट और इनकरेक्ट इन द गिवन सिचुएशन एथिक्स के थ्रू आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या चीजें मोरली करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है मतलब कुछ भी सिचुएशन हुई है उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या चीजें एथिकल है क्या क्या चीजें सही है जो कि आपको करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है वही वैल्यूज वैल्यूज डिटरमाइंड व्हाट वी वॉन्ट टू तो डू और अचीव वैल्यू बताता है कि आपको क्या करना है और आप उसको कैसे अचीव करेंगे नेक्स्ट आता है फंक्शन के बेसिस पे एथिक्स एथिक्स पुट कॉन्सेंट्रेशन और रेस्ट्रिक्शंस ऑन अनएथिकल बिहेवियर जो एथिक्स है इसका मेन काम होता है कि जो भी अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है मतलब बिजनेस के अंदर आप कस्टमर से ज़्यादा प्राइस ले लेते हैं कम वेट दे देते हैं अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे तो वो सब अनएथिकल बिहेवियर हुआ वो नहीं करना है उस पर आपका फोकस होता है वहीं वैल्यूज़ वैल्यूज मोटिवेटेड टू डू बेटर इन लाइफ वैल्यूज़ मोटिवेट करते हैं कि आपको लाइफ में कैसे अच्छा करना है कुछ अचीव करना है नेक्स्ट आता है टाइप्स के बेसिस पे Ethics, ethics has three types, जो एथिक्स है उनके तीन टाइप्स है, है उसके टाइप्स होते हैं रिलीजियस वैल्यू सोशल वैल्यू मॉरल वैल्यू इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है एथिक्स और वैल्यूज के बीच में वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू